सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून बन चुका। इस कानून साजी के बाद नजरसानी का दायरा इख्तियार समाअत से बढ़कर अपील के मुसावी हो गया। कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर से मुतालिक है, आपको सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डॉलर का बड़ा झटका, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। एकदम से 25 रुपए 75 पैसे की कमी, 285 रुपए 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे से घटकर 285 रुपए 7 पैसे के सतह पर आ गया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी। तरीन ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान का प्लेइंग 11 तोड़ने के लिए तैयार। पंजाब के बाद तरीन ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक। जहांगीर तरीन ग्रुप के पीटीआई दौरे हुकूमत के साबिक वज़रा और उहदेदारों से राबते। ज़राए के मुताबिक पीटीआई दौरे हुकूमत के सरकर्दा शख्सियात मुसलसल रूपोशी से परेशान हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के दूसरे सियासी जमातों से राबते। नौ 10 मई के मास्टरमाइंड को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो 9 10 मई से बड़ा सानहा हो सकता है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, रियासती इदारों के पास तमाम शवाहद मौजूद हैं। 9 10 मई को शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश के शवाहद भी मौजूद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर गुलबाग में अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराओ का मुकदमा। अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली। अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया। 1 लाख के जमानती मचलकों की इवज जमानत मंजूर। दहशतगर्दों का पाक ईरान बॉर्डर से मुलहिका। जिला केश के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। हुंडी हवाला में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 4,20,00,000 और 8,50,000 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड बरामद। मुलजिमान हुंडी हवाला और करंसी स्मगलिंग में मुलविस थे। जूनियर एशिया हॉकी कप का फाइनल बड़ा हो गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज टकराएंगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दे दी।